एसीबी और ईओडब्ल्यू का चलेगा चाबुक। छत्तीसगढ़ सरकार ने ईओडब्ल्यू और एसीबी की ताकत को अब बढ़ा दिया है। प्रदेश में जुआ सट्टा के मामलों में कार्रवाई के लिए ईओडब्ल्यू एसीबी को अधिकार दिया गया है, यानी कि दोनों एजेंसियां सीधे एक्शन ले सकेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके बाद माना जा रहा है कि जुआ सट्टा ऐप से जुड़े हुए मामले की जांच में अब और ज्यादा तेजी आएगी। खासतौर पर महादेव सट्टा मामले को लेकर शिकंजा कसना अब आसान होगा। बता दें कि अब तक ईओडब्ल्यू एसीबी को भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई का अधिकार था, लेकिन अब शक्तियां बढ़ जाने से ऐसे मामलों से निपटने में पुलिस को मदद मिलेगी। तो ईओडब्ल्यू और एसीबी इस मामले में अब ज्यादा बेहतर कार्रवाई कर पाएगी। इसके पहले सट्टा जुआ का मामला ईओडब्ल्यू के पास नहीं था और इसके केंद्र में महादेव सट्टा ऐप जैसे जो सट्टा से जुड़े हुए ऐप या इस तरह के कारोबार चल रहे हैं उस पर नकेल कसना है। और इसके जरिए जब अधिकार ईओडब्ल्यू एसीबी को मिल जाएंगे तो दबाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कार्रवाई हो रही है उसमें तेज़ी आएगी और जाहिर तौर पर सज़ा भी उतनी ही सख्त होगी, क्योंकि सख्ती से जब एक्शन लिया जाएगा, संपत्तियां कुर्क की जाएगी, अन्य एक्शन लिए जाएंगे तो दबाव पड़ेगा और इससे जो इस तरह के अपराधी हैं उनमें भी कमी आएगी। तो सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, ईओडब्ल्यू और एसीबी की शक्तियां बढ़ा दी गई है। तो लगातार हम देख रहे थे कि सट्टे के मामले सामने आ रहे थे, खासतौर पर महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर जो कार्रवाई चल रही थी उसको भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि उससे अब इसमें और गति आएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। मनोज, पहले ही कार्रवाई चल रही थी, ऐसे में अब महादेव सट्टा ऐप मामले में जो कार्रवाई चल रही थी उसमें तेजी आएगी, लेकिन इसके अतिरिक्त जो बाकी की जो होती है सट्टे की कार्रवाई उसमें किस तरह का असर पड़ेगा, क्या अंतर आएगा जब एसीबी और ईओडब्ल्यू कार्रवाई करेगी? निश्चित रूप से राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं जो है ईओडब्ल्यू एसीबी को और पावरफुल कर दिया है। उन्हें जो है जुआ सट्टा एक्ट मामले में भी कार्रवाई का अधिकार दे दिया। इससे पहले ही ईओडब्ल्यू एसीबी महादेव सट्टा मामले की जांच कर रही थी, लेकिन क्योंकि ईओडब्ल्यू एसीबी का दायरा सीमित होता है, आय से अधिक संपत्ति के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में ही ईओडब्ल्यू एसीबी कार्रवाई करती थी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर आईपीसी की धाराओं का भी उपयोग ईओडब्ल्यू एसीबी करती थी। इसके अलावा जो ईओडब्ल्यू एसीबी सीधे सीधे गृह विभाग के अधीन नहीं होती, वह जो है सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन काम करती है, तो कहीं ना कहीं उसका दायरा सीमित होता था। लेकिन कहीं ना कहीं जुआ सट्टे मामले, क्योंकि वर्तमान समय में ऑनलाइन बेटिंग ऐप काफी चल रहे हैं, सट्टे जुआ सट्टे काफी चल रहे हैं, इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए कहीं ना कहीं जो है उन सभी में नकदी का काफी लेन देन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और इसी मामले में जो है महादेव सट्टा मामले में ईओडब्ल्यू एसीबी जांच करते हैं, इसलिए सरकार ने जो है महादेव सट्टा ही नहीं, अब आने वाले दिनों में जितने प्रकार के भी जुए सट्टे होंगे उन सभी में कार्रवाई का अधिकार एक प्रकार से जो है ईओडब्ल्यू एसीबी को दे दिया। इसके अलावा जो पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी ही करेगी और अब जो है ईओडब्ल्यू एसीबी भी इस मामले में कार्रवाई कर सकेगी। जाहिर तौर पर चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश है ऐसे आरोपियों पर और कार्रवाई होगी तो जाहिर तौर पर इस अपराध में कमी आएगी। बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए।